अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं जुनून टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपने चंद रोज़ कबल देखा होगा कि हमने मास्क और गुब्बारे बेचने वाले बच्चों को शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट पर खाना दिया था, जिसका मकसद ये था कि हम ऐसे बच्चों को जो कि कमाने के लिए निकलते हैं उन्हें ऐसा से कम तरीका शिकार ना होने दें और उनकी हौसला अफजाई की जाए। उसके बाद हमने मैंगो पार्टी का भी अरेंज किया था ताकि मैंगो सीज़न में ये बच्चे जो हैं तब भी ऐसा से कम तरीका शिकार ना हो। इन्हें हमने स्विमिंग पूल पर जो है मैंगो पार्टी करवाई थी और आज बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों ना ये बर्थडे झोपड़ी में रहने वाले इन बच्चों के लिए की जाए। आप मेरे पर भी देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो सारी इस तरफ झोपड़ियाँ हैं, तो वहाँ से जो है ना हमने बच्चों को बुलवा के यहाँ पर ये खूबसूरत सा दस्तरखान सजाया है इनके लिए, ताकि ये बच्चे हमारी खुशियों में शरीक हो सकें, हमारे साथ बैठ के खाना खा सकें, खुल के खाएं, खुल के जिएं। अगर हम यही पार्टी दोस्तों में करते थे तब भी कोई मसला नहीं था, मगर हमने सोचा कि अपनी जो खुशियां हैं वो ऐसे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें कि जो खाने का मज़ा भी दुबाला कर सकें, आपकी महफिल को भी सजा सकें और आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके कारोबार में जो है बरकतों के लिए दुआएँ भी कर सकें। तो इंशाल्लाह ये हमारा मिशन जारी रहेगा कि हम अपनी छोटी खुशियाँ हों या बड़ी खुशियाँ हों, हम इंशाल्लाह ऐसे बच्चों में सेलिब्रेट करेंगे ताकि ये बच्चे बड़ी गाड़ियों से उतरकर रेस्टोरेंट्स में जाने वाले लोगों को हसरत भरी नज़रों से ना देखें, कोई बड़ा दस्तरखान लगा देख के जो है उसे भी हसरत भरी निगाहों से ना देखें, क्योंकि वो ये सोचें कि हम जो है ऐसे दस्तरखान अटेंड कर चुके हैं, हम ऐसा खाना खा चुके हैं। तो आइए मिलके जो है हम बर्थडे का केक काटते हैं बच्चों के साथ और इंशाल्लाह अपनी जो खुशियाँ हैं दुबाला करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा।